हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो सुबह हो गई थी और हम लोग निकल गए ग्रेटर नोएडा के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं भुक्कड़ हूँ, तो रास्ते में मुझे समोसा, पकौड़ी, जलेबी ये सब खाने का मन करता है, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। मुझे मिला है पोहा, लेकिन पोहा इतना खराब था कि अगली शॉप पे हमें समोसे और मंगोड़े लेने पड़े और वो टेस्ट। वो सब तो ठीक है, लेकिन हस्बैंड इतने गंदे गंदे ब्रेक मार रहे थे कि मेरे सारे मंगोड़े और समोसे गिर जा रहे थे नीचे। तो हंसी आ रही थी, लेकिन मुझे बड़ा बेचारापन लग रहा था, बड़ा गरीब गरीब सा लग रहा था। और जैसे कि हमारी लॉन्ग ड्राइव हो जाती है, कुछ ज्यादा ही लॉन्ग ड्राइव, हस्बैंड को और मुझे बड़ी मजा आती है। बातें करते हुए जाते हैं, खाते पीते, लड़ाई करते, रोते झगड़ते, हंसते, और मैं तो पूरे रास्ते भर डीजे का काम करती हूँ, उनकी पसंद के गाने लगाती रहती हूँ और अपने पसंद के खुद ही सर दर्द करवा लेती हूँ। चलते चलते मुझे रास्ते में समुद्र दिख गया, मतलब इतनी बड़ी नदी थी कि समुद्र लग रही थी। मैंने सोचा ये बीच कहाँ से आ गया। इतना मगन हो गई थी अपनी जर्नी में कि आप सबसे बात करने की फुर्सत ही नहीं, बस मस्ती कर रही थी। फिर रस्ते में जब खेतों को देखा तो मुझे याद आया कि ये मौसम तो सरसों के पेड़ों का है। आई मीन अगर सरसों के खेत में उतर के मैं व्लॉग बनाती तो बहुत बढ़िया बनता, लेकिन भूख लग गई इसलिए आ गए एक ढाबे। मैंने हस्बैंड से कहा जरा रुको मुझे भी उतरने दो, बोले तुम मोटी हो गई हो। लेकिन जब मैंने पाया कि फैमिली रेस्टोरेंट है, हमेशा हाईवे पे एक फैमिली रेस्टोरेंट जरूर मिलता है जो कि फैमिली के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लगता। कह रहे थे यहाँ पर रिकॉर्ड मत करो, सब आदमी लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो व्लॉगर हूँ, मैं जब रिकॉर्ड नहीं करूँगी तो दिखाऊंगी क्या और खाऊंगी। मैं चाह रही थी हस्बैंड के बाजू के बाल भी आ जाए, लेकिन वो शर्मा रहे थे। अभी मैंने बड़ी अजीब सी एक चिड़िया देखी जो कि एक टंग पे खड़ी थी। दोस्तों अभी तक खाना नहीं आया है, हम लोग बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं, भूख तो लगी है, और खा के कहीं धूप पे सो ना जाए, यहीं पे चिड़िया के पास। खाना आ गया था और टिपिकल ढाबे वाला खाना बहुत देर में आया था, हालांकि ठीक ठाक खाना था। मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए कि हाईवे पे मुझे खाना तो मिला, वरना भूखी रो रही थी। इतना सारा खाने के बाद हम लोग निकल गए फिर से अपनी जर्नी पे कि जल्दी से पहुंच जाए घर, लेकिन फिर गूगल मैप ने धोखा दे दिया और हम लोग पहुंच गए एक बदले से रास्ते में जो कि गांव के बीच से होते हुए जाता है। रास्ता हाईवे मतलब मिल ही नहीं रहा था। हस्बैंड मुझे कह रहे थे क्या तुम्हें रास्ते याद है, अब इतना लंबा 1000 किलोमीटर तक मैं क्या रास्ते याद रखूं। लेकिन फिर एक भले मानुष ने बता दिया कि अब थोड़ा सा आगे जाओगे, थोड़ी मेहनत करोगे तो आपको एक्सप्रेस वे मिल जाएगा, ज्यादा रो नहीं। हस्बैंड को पराए आदमी की बात इतनी सही लगी और मेरी बात को वो तो तवज्जो ही नहीं देते। इतनी देर से मैं कह रही थी रास्ता बस थोड़ी देर में आता ही होगा, परेशान मत हो, लेकिन हस्बैंड कहा मेरी सुनने वाले और सरसों के खेत ने मेरा दिल जीत लिया और आखिरकार मिल ही गया मैं एक्सप्रेस वे जो मिलना ही था। बदल कर दे माल खराब तुसी ना लब दे किते जनाब टिक के बैक ते नी हुंदा दिल विच वज्जे मेरे रबा अखां विच जगियां पत्तियां चुकियां मैं इश्क दियां। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे मैंने देखा कि मम्मी जी पापा जी ने मेरे लिए सरप्राइज रखा हुआ है। जैसे कि कल मेरा बर्थडे था और मम्मी पापा जी के साथ सेलिब्रेट नहीं हो पाया, इसीलिए आज उन्होंने यहाँ मुझे सरप्राइज दे दिया। उन्हें पता है कि मुझे गुलाब जामुन पसंद है, इसीलिए ढेर सारे ले आए कि हपसी खाए कि सारे बैठ के गपगप। इतनी एक्साइटेड थी कि अपनी मोमबत्ती खुद ही जला ली और सबको कह रही थी हैप्पी बर्थडे गाना गाइए, पूरा गाइएगा, जबकि पापा जी को तो आता भी नहीं था पूरा। मुझे ही पसंद है कि सब लोग मेरे लिए हैप्पी बर्थडे का फुल सॉन्ग गाए, आखिरी तक से कम 1 घंटा तो गाए ही गाए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि सबको भूख लगी। पापा जी भी सोच रहे होंगे कि कैसी बहू है, इंजेक्शन मार के सारी एनर्जी चूस लेती है। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, ये सब खाने पीने की चीजें जो रखी है वो मम्मी जी ने खुद बनाई थी केक को छोड़ के, उसमें गजक और ठेकुआ ठेलुआ जो भी कहते हैं वो सब कुछ अपने हाथों से बनाया था सुबह से लेके। फिश पकौड़े, फिश की करी, मटन, ये सब कुछ उन्होंने मेरे लिए बनाया कि मनु आएगी तो। बनाने वाले के हाथ थक जा रहे हैं, खाने वाले का मुंह नहीं थक रहा है। इतना सब खाते खाते भी सोच रही थी कि अगली चीज क्या खाऊं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में खाने पीने की चीजें बहुत जबरदस्त मिलती हैं। और पापा जी किनू लेके आए थे तो जाहिर सी बात है कि खाऊंगी। डिनर विनर कर लेने के बाद सब लोग बैठ गए बातचीत करने के लिए और गपशप चल रही थी तभी मैंने देखा कि पापा जी तो थोड़े थोड़े अक्षय खन्ना लगते हैं। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू।